कान से सुनना है, सरकार से पाटिल जी के पास नया फतवा आया है, अगले महीने पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जो नागरिक चुनाव में खड़े होना चाहते हैं उनकी पत्रिका भरने की आखिरी तारीख आज से 15 दिन बाद 22 जनवरी बताई गई है। अरे अरे एकदम भी तो बीच में खड़ी हो। पत्रिका पंचायत में उपलब्ध है। क्या चुनाव में खड़े होने का इरादा है? मैंने सब कुछ सोच लिया है। अच्छा, ज्ञानवा अभी तक क्यों नहीं आया? लो हैवान का नाम लो और हैवान साक्षात सामने खड़ा है। आओ आओ ज्ञानवा। अरे नहीं नहीं वहां मत बैठो, यहाँ आओ, पास आकर बैठो। कोई सुनने ना पाए। हाँ वो औरतों वाली बात है, वो दिखाई देती है उतनी टेढ़ी नहीं है। अच्छा? लो तुम्हें पंचायत में औरतें चाहिए ना, तो एक होगी गंगाबाई, दूसरी नामदेव की बीवी और तीसरी हमारी बहू छोटी पाटन। ये माँ वे तुम्हें पंचों में आकर बैठेंगी। हाँ क्या अनाड़ी की तरह बात कर रहे हो, उन्हें पंचायत में जाने की क्या जरूरत है? तू कागज घर भिजवाकर अंगूठा लगवाकर नहीं मंगवाया जा सकता? अरे हाँ। बड़ी पाटलन होती तो वो भी यही करती। अच्छा पर वो तो मायके से इतनी जल्दी आएगी नहीं। खैर हमारी बहू पंचायत में तो जाएगी नहीं, पर इलेक्शन के लिए क्या फर्क पड़ता है? अरे ओ बहू 3 चाय भिजवा दो। और वैसे प्रत्येक निर्णय के लिए 100% उपस्थिति की आवश्यकता भी तो नहीं होती नियमानुसार। बिल्कुल पते की बात की है जीवन चाचा, और फिर ये सारा मामला आसान हो जाएगा। बस हम कल ही से चुनाव के नामांकन पत्र भरना शुरू कर देते हैं। क्यों चाचा जी, आज तीनों पंचों की तबीयत बड़ी खुश नजर आ रही है, जैसे तीनों ने चुनाव जीत ही लिया हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर मैं पंचायत की सभासद बन गई तो सासू जी को पसंद ना आया तो? बहू जी मुझे भी वही लगता है, माँ को खुद को पंच बनना अच्छा लगता शायद, वो घर पे बैठे और बहू पंचायत में जाए ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तुम अभी तक बच्चे हो। देखो बेटा राजनीति में समय महत्वपूर्ण होता है, जो पहल करता है वही जीतता है। अब तुम्हारी माँ की भाभी को भी अभी बच्चा होना था तो क्या करे क्या करे। और आगे चल के बहू की जगह बड़ी पाटलन पंचायत में जाके बैठे तो भी कोई हर्ज नहीं, सासू जी के शब्दों के बाहर बहू तो जाएगी नहीं। जाएगी। तो बहू हाँ ठीक है, मगर बाबू जी लेकिन जनतंत्र में तो। जनतंत्र क्या है ये मैं तुमसे सीखूं? अगर जनतंत्र में पराया आदमी हमारा प्रतिनिधि बनकर संसद में बैठ सकता है हाँ। तो क्या बहू की जगह सास प्रतिनिधि बनकर पंचायत में नहीं बैठ सकती हाँ? क्यों जी बिल्कुल। ये कैसा अजीब न्याय है? क्या कहा जी? कुछ नहीं। गंगा भाई आपके साथ बसंती नहीं आई? वो मेरे साथ क्यों आएगी, वो आएगी अपने आप।
जा रही देख कौन है, पूछे तो कह देना यूं ही बंद किया था दरवाजा। हाँ बसंती है तो दरवाजा बंद कर दो। चुनाव का कागज भर दो। बोले मैं बोली भाई मैं अनाड़ी। अरे अपने आप को अनाड़ी क्यों कहती है तू, है तू चुप रह उसे बोलने देना। हाँ वो चुनाव का वो ओ, 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 कागज वो हम लोग भर देंगे और हम तुम्हारे घर पे खपरेल डलवा देंगे। हाँ तो तूने क्या कहा? हाँ मैंने हाँ बोला। ठीक है क्या खाक? ठीक है बोला। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं, हर रोज पंचायत में नहीं जाना पड़ेगा। बोले कि वो काम के कागज घर पे भेज देंगे अंगूठा लगवाने के लिए। हाँ नहीं वैसा मुझे मेरा नाम लिखने को आता है अभी। और बोले, अरे बोलना क्या बोले? और बोले हर महीना, हाँ हर महीना 50 रुपया घर में भेजते जाएंगे। हाँ वाह गंगा मई ने तो बाजी मार दी। सासू जी इसे रिश्वत कहते हैं, रिश्वत। इसमें कोई बाजी मारने वाली बात नहीं है। हाँ मुझे भी यही लगता है। पंचायत के मामले में लेन देन की बात कहाँ से आ गई? मुझे तो बड़ी अजीब लगी है ज्ञानबा चाचा की बात। बोले तुम लोगों को गाय खरीद के देंगे, कुछ नहीं करना है सिर्फ अंगूठा लगाना है। वो तो इतने खुश हो गए, बोले भगवान ने हमें आसमान फाड़कर देना शुरू कर दिया है। पर अंगूठा लगाने के बदले कोई किसी को गाय क्यों दे? और गांव की आप जैसी लिखी पढ़ी और सयानी औरतें छोड़ के वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं जब बीमार थी तो आपके सिवा कोई ने इनकी मदद नहीं की और आज अचानक उन लोगों को हमारी याद कैसे आ गई? हमारे वो तो इतने भोले हैं। अरे तू खाम खा डर रही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डरू कैसे नहीं, जो लोग कल तक हमारे हाथ का पानी पीने से डरते थे वो आज अचानक हमें चाय पे बुलाने लगे तो डर नहीं लगेगा क्या? पर क्या मैं जानती नहीं वो चाय के प्याले भी उन्होंने अलग से रखे थे। तुम दोनों चुपचाप सुनती क्यों जा रही हो, कुछ बोलो तो। बुआ ये दोनों किताब लाइए दिल्ली से, एक सबको पढ़ के सुनाना चाहती है। ये किताबी बातें सुनने को मुझे टेम नहीं है, मुझे पाटलन ने बुलाया है। अरे तू तो एकदम सेठानी बन गई, हमसे ज्यादा वो पाटलन तुझे सगी लग रही है ना, तो जा ना उसके घर जा। यहाँ कथरी अड्डे पर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो मजदूरी करके पेट भरने वाली गरीब औरतें हैं। तू वहां जा, हाथ पे हाथ धर के बैठ और झूला झूल। नहीं तो क्या? गंगा माई जरा रुको तो। देखो बिना जाने कोई भी काम करना गलत दवाई लेने जैसा है कि नहीं? याद है पंढरपुर की यात्रा से लौटने के बाद 10 बंद होने की दवाई के बजाय 10 होने की दवाई ली थी तुमने, अरे इसकी सगी पाटलन ने दी थी उसे। तुम सब अपनी हंसी मजाक में डूबी हो, तुम्हें मालूम भी है क्या गांव में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं? देखो गंगा भाई हमारे में रिवाज है कि भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना त्योहारों में हम खुद नहीं खाते हैं, है ना? और फिर वो प्रसाद भगवान थोड़े ही ना खाते हैं, अरे खाते तो हम ही लोग हैं। क्यों? बिल्कुल मिसाल तो तुमने बिल्कुल सही दी। औरतों को पंचायत में लेना वैसे सही है, लेकिन वो हमसे हटके अलग थोड़े ही सोचेंगी। तो प्रसाद के तौर पर 2 या 3 औरतों का नाम लिया और कारोबार की जिम्मेदारी हम मर्दों ने ली, तो उसमें क्या हर्ज है भाई? हाँ तो सुन नाम देव, अब देख चाहे देश पर राज करना हो या फिर गांव को चलाना हो, अब ये कोई आसान काम तो नहीं है ना।
अच्छा क्या तू ये काम कर सकता है? नहीं जी, ये क्या पूछ रहे हैं आप? अरे वही तो, पाटिल जी हो, जीवन चाचा हो या फिर मैं खुद, हम लोगों को गांव के कारोबार की जानकारी है, आदत है। आप फिर गांव का क्या अच्छा क्या बुरा, अब वो हम ही लोग तो ज्यादा सोच सकते हैं ना। आपके बात ठीक है। और आज तो घर में क्यों बैठा है, स्कूल क्यों नहीं गया? हमारे स्कूल में आज इलेक्शन थी, इसलिए आधा स्कूल था। इलेक्शन? क्या कहा तूने, इलेक्शन? चुनाव। पूरे स्कूल के लिए लड़कों में से मंत्री चुने जाते हैं और हर क्लास के लिए भी, पंचायत जैसे। अरे पर तुझे चुनाव की क्या जरूरत है? क्या जरूरत, क्यों नहीं? मैं प्रधानमंत्री चुना गया हूँ अपने क्लास का। है? पिछले साल महेंद्र था, इस साल वो मुझसे हार गया। अच्छा, वो कैसे? उसे सिर्फ 10 लड़कों ने वोट दिया, बाकी ने मुझे। अरे भाई वाह, पर बच्चों ने ऐसा क्या देखा तुझमें? क्या, मैं सबकी मदद जो करता था, किताब की हो या गृह पाठ की, वो महेंद्र सिर्फ अपने दोस्तों के देखता था या सुनता था, और किसी की नहीं सुनता। कितने बार बताया उसे कि ऊंचे लड़कों को पीछे बिठाना चाहिए और बुट्टों को आगे, पर नहीं। पर वो किशन की आंखें खराब है तो उसे भी आगे बिठा, वो मानते ही नहीं। अगर मंत्री बनना है तो निपक्षपाती होकर हरेक की जरूरत देखनी चाहिए। बुआ जी सुनिए आपने मच्छिंदर की बात, अगर पहले मंत्री सुनते नहीं है तो चुनाव में औरों को खड़ा करके उन्हें अपना मत देकर नए मंत्री बनाने चाहिए। उस दिन हमने पढ़ा नहीं था आदर्श गांव कैसा होना चाहिए, याद है? उससे तो हमारा गांव कोसों दूर है। और नहीं तो, मुझे कुछ याद नहीं रहता, एक बार फिर से याद दिलाओ ना। उसने कहा था हर गांव में संडास होने चाहिए, हमारे यहाँ 3 संडास हैं, लेकिन तीनों की तीनों पाटलों के घर। हाँ, और रात को रास्ते में दिए होना जरूरी है, वो भी सिर्फ उन बड़े लोगों के घर के आसपास है। कल रात को मैं बाहर गई थी, गिर पड़ी और मेरी हड्डी वड्डी टूट जाती तो। हाँ, इसीलिए हमें ऐसे पंचायत सभासद चुनने चाहिए जिन्हें पूरे गांव की चिंता हो। हाँ, सोचने की बात है। अरे इतने सारे अखबार क्यों निकाले तूने? पिछले 2 महीनों में किसी भी पंचायत की जो भी खबर आई है वो पढ़ रही हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले किसी ने गांधी जी का राम राज्य का सपना लिखा था, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया। सब चुनाव की खबरें पढ़नी है मुझे अपने गांव के चुनाव से पहले। भाभी चुनाव तो आते हैं और जाते हैं। आजा। गणेश यार पिछले चुनाव में मैं भी मत दे सकता था लेकिन नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है एक मत से है? हाँ, तुम लोग यहाँ चाय पीते बैठो और मुझे झगड़ने के लिए आगे बढ़ा दो। शहर से एक टूटी बैट और बॉल लाने से क्रिकेट शुरू नहीं होता, वहां स्कूल के मैदान में नहीं खेल सकते, पाटिल जी के घर के सामने इतनी खुली जगह पड़ी है वहां भी नहीं खेल सकते। लो देवर जी चाय पी लो। ए? नहीं, ये नमकीन चाय नहीं है, मीठी चाय है। अबे अब क्या तेरे खेलने कूदने के दिन है? नहीं नहीं, नाटक करने के दिन है। साला उस दिन सासुड़ गए थे, वो क्रीड़ा स्पर्धा में ना हमारे गांव की कोई टीम ना कोई खिलाड़ी, वो वाग्रेश्वर का पंचू कह रहा था कि उनके पंचायत में युवक मंडली बनाई है, उनकी तालीम है, उनका खेल का मैदान है। साला हम ही इतने निकम्मे क्यों हैं? अब आपके समझ में बात आएगी, पाटिल जी के बेटों को कहां दिलचस्पी है खेलकूद में, तो क्यों बनेगी युवक मंडली यहाँ? पंचायत में या तो बूढ़े हैं या फिर गूंगे, सबके सोचने वाला है कोई वहां? क्या मतलब है भाभी तुम्हारा? मेरा मतलब है कि गांव की सुविधाएं अपने आप जैसे घास उगता है वैसे नहीं उगती, सोच समझकर बनानी पड़ती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाभी, अब इस पर हो जाए चाय। अरे चाय नहीं, नाटक हो जाए। कल रात छोटे पाटिल हमारे घर आए थे और मैं अकेली घर में, इतना डर गई
बोले परसों अंगूठा लगाने का आखिरी दिन है, कल पंचायत आकर अंगूठा दे जाना। अरे तू डर मत, अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी है, जाके चुपचाप अंगूठा लगा। उन लोगों का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें डरने की क्या बात है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे। और फिर बुआ जी ने भी तो रुक्मिणी की, तुलसी की मदद की थी। पर गंगा मई आजकल जमीन पर चलती कहाँ है, पूछो कहाँ जा रही हो तो कहती है पाटलन के घर। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। दिल्ली में तुम्ही ने वो गाना सीखा था ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे एक दिन नहीं, आज ही बोलो, होंगे कामयाब आज ही। होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब हम, होंगे कामयाब आज ही। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज ही। सज्जन देवियों, हम महाभारत के आखिरी युद्ध पर नाटक करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। और कौरव पांडव की सुंदर धोतियां बनाने के लिए हमें आपकी सुंदर सुंदर साड़ियों की जरूरत है। साड़ियों भाई जान, आपके इस युद्ध में हमारी सुंदर साड़ियां फट गई तो? ना 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 ना, ना। ये हाथापाई का शस्त्रों का युद्ध नहीं है, ये शब्द युद्ध है, शब्द युद्ध है। क्या ये कौन सा युद्ध है भाई? अरे माँ, इस नाटक में हम बताएंगे, अगर हर एक को न्याय दिलाना है तो घर में बैठ के हाथ पे हाथ रख के और मुंह बंद करके नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसके लिए लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। मतलब माई, मैं हूँ श्री कृष्ण और ये अपना रज्जा है ना, ये रोने लगता है, क्या समझता है अपने आपको? अर्जुन रोता है। तो तू कौन है? अर्जुन। तो रोता कौन है? मैं। देखो नाटक में है, नाटक के बाहर नहीं। ठीक तरह से बताओ तो। बताता हूँ बुआ जी, अर्जुन डर गए हैं, युद्ध में सामने खड़े हैं बुजुर्ग पितामह भीष्म द्रोणाचार्य, जैसे अपने जीवन चाचर पाटिल जी है ना वैसे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बेटा कर्तव्य करते समय डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, परिणाम के बारे में मत सोच। वासु भैया, देवर जी, बस बस, मैंने परिणाम की सोच ली है। अरे भाभी, परिणाम की मत सोच, मत सोच। वही तो, परिणाम की पूरी सोचेंगे पर डरेंगे नहीं। देखो, अगर पंचायत में औरतों को प्रतिनिधि की जरूरत है, युवकों को प्रतिनिधि की जरूरत है, तो उन्हें चुनाव लड़ना होगा। क्या मतलब है तेरा, ये क्या कह रही है तू? सुनो, मेरा मतलब है हमारे पंचायत में औरतों के लिए जो तीन जगह है ना, उन तीन जगहों पर हम लोग अपनी सहकारी मंडली के आधार पर तीन औरतें खड़ी करेंगे, छोटी पाटलन, गंगा माई और बसंती के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल खिलाफ। और सुनो वासु भैया, आप अपनी नाटक मंडली की तरफ से किसी एक युवक को खड़ा कर दीजिए। सहकारी मंडली की जय। रुक्मिणी, वो रामदास की विवाह बहू? हाँ। और वो लक्ष्मी, नारायण यादव की बहू, भरत की बीवी? हाँ। और सुवेदा बीवी इनके बहकावे में आ गई? हाँ जी हाँ। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई, ऐसा भला कभी होता है? नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अब क्या हो सकता है? कल का आखिरी दिन है, क्या किया जा सकता है? कल का आखिरी दिन, अगर कल के आखिरी दिन का टाइम 10 बजे से पहले ही खत्म हो जाए तो, मेरा मतलब है पंचायत की चाबी गुम हो जाए तो क्या किया जा सकता है? कच्चू, उठा ले चाबी, परसों सुबह ये यहां लग जानी चाहिए, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए? समझ गया। उठा। हाँ।
मार मर के तुम्हारे क्या मतलब कर रहे हो पागल है क्या बात मत कर तू समझी तेरे बाप साहब तू मेरे बात तो चुप है यार तो क्या बात कर रहा तू चुप है क्या अरे कुछ नहीं पत्थर का पत्थर और रास्ते में क्यों रखा छोटा था ना इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बात मत कर मारूंगा तुझे चल चल संभाल के बस तुम सुबह जल्दी घर आ जाना फिर सोचेंगे ठीक है चलते हैं अभी लालटेन लेके चलना पड़ता है दिए भी नहीं है रास्ते में ये क्या चमक रहा है क्या हुआ क्या है क्या है पंचायत की चाबी पंचायत की चाबी यहाँ देखो ना क्या पड़ी थी कमाल है लेकिन की व्यवस्था पंचायत की चाबी यहाँ पर रस्ते में पड़ी थी चाबी यहाँ कहाँ लेके आया यहाँ कैसे आ सकते मेरे आले के पास क्या कर रहे हो अरे चोरी तोड़ी कर रहे हैं हाथ में क्या है हमारे हाथ में पंचायत की चाबी है चल छोड़ अरे तुम्हारे हाथ में पंचायत की चाबी ना जाए इसलिए पाटिल कुछ भी कीमत देंगे जरा इधर तो देखिए हाँ पंचायत मंडल कल तुम तीनों को नामांकन पत्र भरने के लिए पंचायत बुलाया और हाथ चाबी रास्ते में पड़ी थी नहीं 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 इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है तुम्हें पता है आज ही हम शकुनी मामा की भूमिका लिख रहे थे अच्छा सबको बनाएंगे क्या क्या है तो वो क्या है चाबी कैसे कुछ पता नहीं चाबी गुम की हुई है ये कुछ करने में चक्कर में है ये भाई सरकारी नियमों को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता हाँ अगर आज नामांकन पत्र नहीं भरा गया तो आप चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती हाँ, हाँ, हाँ। और अगर चाबी नहीं मिली और पंचायत का ताला नहीं खोला गया तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं हाँ। पर पाटिल जी यहां से चाबी गई कहां अब ये मैं क्या जाना हाँ? बराबर पंचायत तो खुली है क्या क्या बकता है अरे हाँ, खुली है हाँ? तो गंजो पंचायत किसने खोली कैसे खुली मैं रज्जू पंचायत कैसे खुली हम तुम्हें बता दें जरा मेरी वो लाठी दे दे क्यों पंचायत में नहीं जाना है पंचों ने जब खबर सुनाई औरत का हक एक तिहाई बहू बेटी तो कठपुतली है असली मालिक मर्द है भाई बंद हो गए अकल के ताले पंचायत की चाबी खो गई कठपुतली अब हम न रहेंगी इस जंग में हम हिस्सा लेंगी चुनाव में हम खड़ी रहेंगी नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर भैंस बराबर मेरी जिंदगी भैंस बराबर भैंस बराबर अकल की मेरी भैंस बराबर भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर भैंस बराबर